भाई अंदर आ सकता हूँ? ओ दीपक भाई, आइए आइए। प्लीज बैठिए। सेठ के सामने नौकर कैसे बैठ सकता है? सेठ जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे दीपक भाई, हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते, प्लीज बैठिए। कहिए दीपक भाई, कैसे आना हुआ? सर जी अब तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे हीरे के कारखाने बंद है, हमको पगार भी नहीं मिला। मेरे परिवार में मैं ही एक कमाता हूँ, बीवी, दो बच्चे, बहन और बीमार माँ। घर में जो कुछ था सब खत्म हो गया, ऊपर से किराया देना भी बाकी है। हम लोग तो सड़क पर आ गए सेठ जी। बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, ऊपर से बीमार माँ, बहुत बुरे ख्याल आते हैं सेठ जी। हम आपसे कुछ उम्मीद लेकर आए, कुछ मदद कर दीजिए। दीपक भाई आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैंने कभी आप लोगों के बारे में सोचा ही नहीं, कितना मैं बेईमान इंसान हूं। देखो ऐसी ऑफिस में बैठा हूं, सोचा मैं सुखी तो सब लोग सुखी। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आपकी हालत देखकर मुझे अपने आप पर गिन महसूस होती है। यही बैठो। अशोक भाई आप जल्द से जल्द अपने जितने भी कारीगर हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओ और सभी के घर एक महीने का राशन भिजवा दो और साथ में 10,000 रुपये भी। और सुनो, सबसे पहले तुम दीपक भाई के घर खुद जाना एक महीने का राशन लेकर और साथ में 10,000 रुपये भी, ठीक है? दीपक भाई मेरी ये बात सही तो आप लोगों से ही है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। दीपक भाई वो पैसा ही क्या काम का जो बुरे वक्त में इंसान के ही काम ना आ सके। और वो इंसान ही क्या जो इंसान के काम ना आ सके। दीपक भाई फिकर नॉट, मैं हूं ना।